तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रिलेशनशिप में हमारी किन गलतियों के कारण हमारा पार्टनर होता है हमसे बोर हो जाता है और फिर हमें इग्नोर करने लगता है। रिलेशनशिप में आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि वापस से आज जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन वापस से क्रिएट ना हो। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर ये सीन हो गया है, अगर आपका पार्टनर आपको अभी इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा, जो सुझाव दूंगा आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको 2-3 महीने करके देखना है। अगर एग्जैक्टली आप सेम चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके पार्टनर का बिहेवियर, अभी जो आपको ट्रीट कर रहा है, उनके सारे तरीके बदल जाएंगे 80-90% तक। तो अब बात करते एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको करनी होती है ना, वो है कि आपको ये नीड दिखाना बंद करना पड़ेगा कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समटाइम हम ये बोलते हैं ना पहले कि भाई हमें नीड है, ठीक है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो सारी चीज़ें तो अलग है, ठीक है, क्योंकि इतने मैच्योर तो आप वीडियो देख देख कर भी हो गए होंगे। लेकिन जो मैं चीज़ बताता हूँ कि जिस चीज़ के कारण फाइट होती है लगातार आप दोनों के बीच में, ठीक है, कि तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तुम बदल गए, ये जो चीज़ें हम करते हैं ना, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। इस हिसाब से भी हम यही दिखाने की कोशिश करें कि भाई हमें नीड है, हम परेशान क्यों है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करे तो मुझे इग्नोर करे तो हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि हमें जो नीड है तुम्हारी तरफ से वो नहीं मिल रही है। इसलिए तुम्हें उनके सामने ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, कि उनको लगे ही नहीं कि भाई उनसे तुम्हें कोई फरियाद है, तुम्हें कोई तकलीफ है। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना, एक तो पर्सन हमसे इरिटेट होता है, दूसरी चीज़ उनको ये लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा नीड है, उसको लगता है कि मेरी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। नीड का मतलब यहाँ पर ये होता है दोस्तों, हम उनको ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इन लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि जब कभी तुम सामने वालों को ऐसा शो करवाते हो अपनी हरकतों से, ठीक है, कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तो वो ना हमसे बोर हो गए, हमसे परेशान हो गए रियल में, पर वो हमसे अट्रैक्ट तब हो गए जब हम ऐसा दिखाएंगे कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी लाइफ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, खुद के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे फरियाद करना बंद करना है, उनके साथ जुड़े रहो, बातचीत करो, पर ऐसा मत दिखाओ कि हमें कुछ हो रहा है। जब तुम बात नहीं कर रहे हो तब हमें तकलीफ हो रही है, नॉर्मल रहो, एकदम रिलैक्स रहो। दूसरी चीज़ ना अब तुम्हें लानी चाहिए कि तुम्हें ना इस रिलेशन में तुम्हारे पार्टनर के साथ स्पेस को मेंटेन करना चाहिए। अब देखो तुम कितने टाइम से हो एंड जितने टाइम से तुम्हारा रिलेशन बना है, कहीं ना कहीं चीज़ें ये रही होगी कि पहले अच्छा था, अब चीज़ें खराब हो गई है। इसका रीज़न ये है कि भाई बहुत टाइम से है, अगर नहीं भी है तो भी अब सेम चीज़ें चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, वही बातें हो रही है, सेम मिलना, ठीक है, एंड कुछ रिलेशन में नया नहीं आता। जब रिलेशन में चीज़ें नहीं आती ना तो रिलेशन तो बोर होता ही होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि दूरी भी नहीं आती, एक मेंटेनेंस जो रिलेशन में होना चाहिए गैप का, स्पेस का, वो भी नहीं हो रहा, थोड़ा आपको मेंटेनेंस बनाना चाहिए। जब लोग हमसे बोर हो जाए ना तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी चाहिए कि भाई उसको थोड़ा सा तो जगा दो ताकि वो मुझे याद करे, मिस करे, अपनी लाइफ में भले और लोगों से बात कर रहा है, किसी और के साथ चैट हो रहा है, और में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो क्यों, क्योंकि हम हद से ज़्यादा करीब आ गए। तो देखना चाहिए कितनी बातें कर रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से आधा कर दीजिए, धीरे धीरे धीरे, एक झटके में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो भी आपका अकाउंट है कि दिन में इतनी बार कॉल, मैसेज, बातें, मिलना, इंटरेस्ट शो करना, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप आधा कर दीजिए। एंड ऑफकोर्स अपने इमोशन को, अपनी केयर जो उनके लिए तुम्हारी है, वो सारी चीज़ों को आधा कर दीजिए। मैं आपको बंद करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अगर हम दूर हो जाएंगे, प्यार नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो वो मतलब हमें इग्नोर ही करेगा तो एकदम भूल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, वो जो तुम प्यार कर रहे हो, जो तुम दिखा रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, वो कुछ ज़्यादा हो गया है इसीलिए वो इग्नोर कर रहा है, तो उसको जस्ट बैलेंस करना है। अब जो तुम्हें तीसरी चीज़ करनी है वो है कि तुम्हारी लाइफ में ना कुछ लोगों की एंट्री कराओ यार। ये चीज़ मैं आपको कई बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारी लाइफ में और भी लोग होने चाहिए, ना कि तुम्हारे जस्ट पार्टनर पार्टनर और पार्टनर। तुम्हारे फैमिली के लोगों के साथ तुम्हारा एक्टिव रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंड के साथ होना चाहिए, कलीग्स के साथ होना चाहिए, तुम्हारे कजिन्स के साथ होना चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें तुम्हारे पार्टनर को दिखनी ही चाहिए। क्योंकि मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो आपकी लाइफ में चेंज है, स्पेशली आपकी लाइफस्टाइल में जो चेंज आपके पार्टनर को दिखेंगे। तो आपकी लाइफ में ना जो भी लोग हैं उनके साथ एक्टिव रहो, उनके साथ बैठो, बातें करो,
बाहर जाओ, जो भी आपको लगता है उनके साथ फन करो यार। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको बताया है कि ऐसा नहीं होता कि हम उनको थोड़ा सा अलग रखेंगे, थोड़ा सा पेस देंगे तो जो पर्सन हमसे बोर है ना वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो पर्सन हमसे बोर इसलिए हो गया क्योंकि हमारा प्यार, हमारा इमोशन, हमारा टाइम हमने उनको कुछ ज़्यादा दे दिया, इतना दे दिया सिंपल सी बात में, जो पर्सन ना हजम कर सकता है ना उससे ज़्यादा है। ठीक है, वही होता है ना कि आप औकात से ज़्यादा दारू पी जाते हो तो आप उल्टी कर देते हो, तो सेम चीज़ें वो हो रही है। आपको उस चीज़ का ना बैलेंस बनाना है। अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो आपको मोटी मोटी तीन चीज़ों को पकड़ना चाहिए। सबसे पहले ना आपको ऐसा दिखाना है कि आप इंडिपेंडेंट हो इमोशनली भी। ठीक है, ऐसा नहीं डिपेंड नहीं हो, आपको फरियाद नहीं करनी, बस तुम खुश हो, अपनी लाइफ में रिलैक्स हो, बस सही हो। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि भाई अपने लोगों को दिखाना है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कई बार ना हम सबको अवॉइड करके किसी एक के पीछे आते तो उनको लगता है कि हम तो चिपकू है, कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहे, बस हम उनके पीछे पड़े हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी तब वैल्यू समझ में आएगी जब तुम्हारे आसपास तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे दोस्तों को देखेंगे। एंड फाइनली जो चीज़ होती वो है हैप्पीनेस, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी हैप्पीनेस और तुम्हारे आसपास के लोग, इन चीज़ों को वापस से तुम्हारी लाइफ में लाओ, क्योंकि यही सारी चीज़ होती है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, ना कि आप उनको कितना प्यार करते हो, आपको उनकी इतनी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ना सामने वाले इंसान को आपसे बोर कर देती है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको सही कर लो और 3 महीने तक ऐसे अपने पार्टनर के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर, आपका 80-90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप पर्सनली हमारे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ऐसे वीडियो फ्री में और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।